बाबा समझा रहे, लेकिन श्याम नहीं मान रहे हैं। ऐसा ही नहीं भक्तो कि हाथ पकड़ी समझाने लगे, लाला मेरी बात मान जाओ, इंद्र बड़ा घमंडी, अगर इंद्र ये बात सुन भी लेगा तो बहुत कुछ बिगाड़ सकता है श्याम सुंदर, इसलिए जिद न ठानो, गोवर्धन की पूजा न कराओ, इंद्र की पूजा करो। तो कन्हैया ने उत्तर दिया, नहीं नहीं बाबा, अब हम नहीं मानेंगे, पूजा होगी तो गिरिराज महाराज की, वैसे पूजा होने किसी की नहीं देंगे। तो नंद बाबा ने गांव से जाकर के सबसे सलाह मिलाई और गांव में एक बात कहिए, भैया कन्हैया की इच्छा है, आप लोगों की क्या इच्छा है? अगर हम लोग इंद्र का पूजन न करें, गोवर्धन का पूजन करें तो कैसा रहेगा? तो गांव के लोग कहने लगे, बाबा तुम तो गांव के मुखिया हो, अगर तुम्हारी इच्छा है, कन्हैया की इच्छा है, तो चलो श्याम की इच्छा पूरी कर दो, एक बार गोवर्धन का ही पूजन कर लेते। तो गोपियों को इशारा दिया है कि गोपियां सब चले गोवर्धन की तरफ, गोवर्धन की पूजा होनी है। अब गोपियां 16 श्रृंगार किए हुए आगे बढ़ी है, मां देखो पूजा करने के लिए। और सबने मिल के गोवर्धन की करी मां तैयार, चले अब चले संग घन श्याम और मन बाबा, बढ़े अगारी अब सबसे आगे चली सुदामा तारी, सबसे आगे चली सुदामा तारी, चले सब लोग गोवर्धन की तरफ। को वे गोपियां धीरे धीरे गीत भी गाती जा रही हैं और धीरे धीरे गुनगुनाती जा रही हैं, आशा करें आप लोग भी गाते चले धीरे धीरे।